Hello dear students, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC. Microprocessor and microcontroller interfacing की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बेसिक 8051 जो माइक्रोकंट्रोलर होता है उसके बेसिक जो फीचर्स होते हैं वो फीचर्स क्या है, इसमें कौन कौन से अलग अलग हमें पिन यूज करने को मिलते हैं, उसमें कौन कौन से पोर्ट होते हैं, इन सभी बेसिक फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि इसका जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम होता है 8051 माइक्रोकंट्रोलर का, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि उसमें कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि जो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑसिलेटर सर्किट फॉर 8051। आपने बहुत सारे अलग अलग कंट्रोल बोर्ड देखे होंगे जिसमें इस तरह से कुछ क्रिस्टल लगे होते हैं, इसे क्रिस्टल बोला जाता है, जिसपे कोई एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखी है 24.576 मेगाहर्ट्ज, ओके, यानी कि इसमें जो भी कंट्रोलर लगा होगा वो कंट्रोलर इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होता होगा, ओके। यहाँ पे भी कोई एक क्रिस्टल लगा हुआ है जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, यहाँ पे भी एक क्रिस्टल लगा है जिसमें भी कोई फ्रीक्वेंसी लिखी है, ओके। तो बेसिकली ये जो क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल से जो क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट बनती है उसकी डिजाइन कैसी होती है, किस तरह से इसे डिजाइन किया जाता है, किस तरह से वर्क करता है, इसके बारे में पहले हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि ये माइक्रोकंट्रोलर है, इसे रीसेट करना है, एंटायर सिस्टम को अगर रीसेट करना है तो हम किस तरह से रीसेट कर सकते हैं, ओके। तो वन बाय वन टॉपिक समझेंगे और लास्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि जो हमारे पास माइक्रोकंट्रोलर है 8051, उसमें जो मेमोरी होती है वो मेमोरी किस तरह से इंटरफेस की जाती है, इंटरनल मेमोरी किस तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन 8051 का है, इसके बारे में भी हम लास्ट एक पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, ऑसिलेटर सर्किट। ऑसिलेटर सर्किट कोई भी माइक्रोकंट्रोलर के साथ लगानी जरूरी होती है, क्योंकि हमारे पास जो भी माइक्रोकंट्रोलर होता है उस माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है क्लॉक पल्स, ओके, जिसमें 0 to 5 volt, 0 to 5 volt इसके कुछ यहाँ पे पल्स आपको देखने को मिलेंगे, ओके। और यहाँ पे ये एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के, फिक्स ड्यूटी साइकिल के और फिक्स एम्पलीट्यूड के पल्स होंगे, ओके। ये जो पल्स है, इस तरह के पल्स क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट से जनरेट करवाए जाते हैं, और यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी होती है इसी फ्रीक्वेंसी पे आपका जो माइक्रोकंट्रोलर है वो वर्क करता है, ओके। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 12 मेगाहर्ट्ज का एक क्रिस्टल ऑसिलेटर डिजाइन किया है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर डिजाइन करने के लिए आपको एक क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट होती है और दो कैपेसिटर C1 एंड C2 की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें C1 इज इक्वल टू C2, दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, ओके। तो यहाँ पे हमने 33 पाइकोफेराडे के दो कैपेसिटर यूज किए हैं जो कि पेपर कैपेसिटर होंगे, और यहाँ पे क्रिस्टल का इस्तेमाल किया है। ये जो यहाँ पे जो ये सर्किट डायग्राम है इसको क्रिस्टल ऑसिलेटर बोला जाता है। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो माइक्रोकंट्रोलर यूनिट के साथ इस क्रिस्टल 1 and 2 पिन पे अटैच होता है और इससे माइक्रोकंट्रोलर है वो ऑपरेट होता है, ओके। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी से जो ये 8051 माइक्रोकंट्रोलर है, उस माइक्रोकंट्रोलर में जो इंटरनल ऑसिलेटर होता है इसके साथ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिंक्रोनाइज होके वर्क करती है, और जो भी इंस्ट्रक्शन हम 8051 में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो सभी इंस्ट्रक्शन इसी फ्रीक्वेंसी से एग्जीक्यूट होते हैं और सिंक्रोनाइज रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के ऑसिलेटर हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑसिलेटर नहीं है तो आप TTL क्लॉक सोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर CMOS क्लॉक सोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप यहाँ पे कोई क्लॉक सोर्स का इस्तेमाल करते हो तो एक जो पिन होती है वो ग्राउंड हो जाती है और जो हमारा क्लॉक सोर्स है वो डायरेक्टली कोई ना कोई एक पिन से आप अटैच कर सकते हो, ओके। जबकि यहाँ पे जब आप क्रिस्टल ऑसिलेटर बनाते हो विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल, तो यहाँ पे आपका क्रिस्टल दोनों पिन के पैरेलल में एक साथ अटैच हो जाता है और इसके साथ दो कैपेसिटर लग के ग्राउंड हो जाते हैं। तो ये जो क्रिस्टल है वो इस तरह के पल्स जनरेट करता है, लेकिन एम्पलीट्यूड 5 वोल्ट का नहीं होता है, इसमें एम्पलीट्यूड बहुत ही कम मिलता है। तो ये जो हमारा क्रिस्टल है वो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है वो 12 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि यहाँ पे दो पिन यूज होती है, क्रिस्टल 1 and क्रिस्टल 2। इससे ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर है वो क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से हाफ फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे दो पिन पे आप एक ही सिग्नल अप्लाई करते हो, ओके। और इसी से 8051 की जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी से हाफ होगी, ओके। यानी कि यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, अगर आप क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 12 किलो मेगाहर्ट्ज की यूज करते हो तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपको सिर्फ 6 मेगाहर्ट्ज की मिलेगी, लेकिन जब यहाँ पे आप सिंगल पिन का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे अगर आप 12 मेगाहर्ट्ज
क्रिस्टल और कोई भी क्लॉक सोर्स का यूज करोगे तो आपका जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होगा वो डायरेक्टली 12 मेगाहर्ट्ज पे वर्क करेगा। तो इस तरह से आप क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट डिजाइन कर सकते हो और जो भी क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट आप यहाँ पे यूज करोगे उससे हाफ फ्रीक्वेंसी पे आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो ऑपरेट होता है। ओके, इसी तरीके से इसकी एक रीसेट सर्किट होती है। रीसेट सर्किट का यूज होता है किसी भी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को रीसेट करने के लिए यूज होती है। ओके, तो ये हमारे पास जो सर्किट है इसमें कुछ इस तरह से मैनुअल रीसेट एंड दूसरा होता है पावर ऑन रीसेट। ओके, पावर ऑन रीसेट का मीनिंग क्या होता है, जब भी आपके पास कोई माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम होती है उसे अगर आपको रीसेट करना है तो आप डायरेक्टली जो मेन पावर होता है इस मेन पावर को ऑन ऑफ करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है वो रीसेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो यह इसे बोलते हैं माइक्रो पावर ऑन रीसेट, जिसमें पावर ऑफ करके आपको फिर से ऑन करना पड़ेगा। तो जब आप पावर ऑन करोगे तो आपका माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। अगर आपको पावर ऑफ किए बिना यहाँ पे अगर आपको पूरी सिस्टम रीसेट करनी है तो इसके लिए मैनुअल रीसेट का कुछ इस तरह से सर्किट डायग्राम बनाया जाता है और इसे यूज करके आप माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें क्या लगा है, इसमें एक कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर के साथ एक 8.2 किलो ओम का एक रेजिस्टर लगाया गया है। तो ये रेजिस्टर क्या करेगा, इस कैपेसिटर को धीरे धीरे चार्ज करेगा। ओके, करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगा और ये कैपेसिटर है वो धीरे धीरे चार्ज हो जाएगा थ्रू दिस रेजिस्टेंस। 8.2 किलो ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू ये कैपेसिटर चार्ज होगा। जब एक कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो ये रीसेट की पिन दिखाई दे रही है ये माइक्रो कंट्रोलर की पिन है। ओके, यहाँ पे आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर होगा जिसकी एक पिन हमने यूज की है रीसेट पिन। तो इस रीसेट पिन में हमने इसके सर्किट डायग्राम में देखा था, इसके पिन डायग्राम में हमने देखा था कि यहाँ पे जो ये रीसेट पिन होती है इस रीसेट पिन में कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, यानी कि जब आप यहाँ पे ग्राउंड अप्लाई करते हो तो आपका जो पूरा सिस्टम है वो रीसेट होता है। ओके, और अगर आप यहाँ पे इस कैपेसिटर को चार्ज करके रखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमेशा आपको प्लस 5 वोल्ट मिलते रहेंगे। ओके, जिससे ये आपकी सिस्टम है वो रीसेट नहीं होगी। अगर आपको इसे रीसेट करना है तो ग्राउंड करना पड़ेगा। ओके, तो जब आप यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट अप्लाई करोगे तो आपकी सिस्टम रीसेट नहीं होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक रीसेट पुश बटन अटैच करते हो तो ये रीसेट पुश बटन है इसके थ्रू ये जो आपका कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा और यहाँ पे आपको ग्राउंड मिलेगा, और जब ग्राउंड मिलेगा तो आपका ये जो रीसेट पिन है उसे रीसेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आपका रीसेट की वैल्यू 1 हो जाएगी और उस दौरान आपका जो सिस्टम है वो रीसेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारी रीसेट सर्किट काम करती है और किसी भी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को रीसेट कर सकती है। बहुत सारे अलग अलग कंट्रोलर जैसे कि आर्डुइनो में आपने देखा होगा कि आर्डुइनो जो बोर्ड होता है उसमें कुछ इसी तरीके की एक रीसेट और पुश बटन लगा रहता है जिसको आप प्रेस करोगे तो आपकी जो आर्डुइनो बेस्ड सिस्टम है वो रीसेट हो सकती है। ओके, तो ये रीसेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई भी सिस्टम डिजाइन करते हो उसमें अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और बीच में से उसे आपको रीसेट करना है, पूरी सिस्टम को रीसेट करना है, या फिर कोई आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो माल फंक्शनिंग करता है तो आप पूरी सिस्टम को रीसेट बटन की मदद से रीसेट करके उसे फिर से ठीक कर सकते हो। तो ये हमारी रीसेट सर्किट थी। नेक्स्ट वन, दैट इज मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या देखना है कि हमारे पास जो इंटरनल मेमोरी होती है, ओके, 8051 में आपके पास इंटरनल मेमोरी होती है जिसमें दो टाइप की इंटरनल मेमोरी है। फर्स्ट वन दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सेकेंड वन दैट इज रॉम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 8051 में 64 KB की प्रोग्राम मेमोरी होती है, 64 KB की डेटा मेमोरी होती है, और इसी के साथ इंटरनल मेमोरी 4 KB प्लस 128 KB की डेटा मेमोरी। ओके, तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कितनी आप एक्सटर्नल मेमोरी अटैच कर सकते हो। एक्सटर्नल मेमोरी यानी कि यहाँ पे जो आपके पास इंटरनल मेमोरी है 8051 में, उसके साथ अगर आपको एक्स्ट्रा रोम अटैच करनी है तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास 16 बिट की एड्रेस लाइन है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी 8085185 माइक्रोप्रोसेसर में देखा था कि 8085 में 16 बिट की एड्रेस लाइन होती है। तो इसी के साथ आप 2 raised to 16, ओके, जितनी एड्रेस लाइन होती है इतना 2 raised to एड्रेस लाइन करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मैक्सिमम आप यहाँ पे कितनी मेमोरी अटैच कर सकते हो। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 64 KB की मेमोरी अटैच कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपके पास 16 बिट की एड्रेस लाइन है। ओके, तो जितनी एड्रेस लाइन होगी उसी से आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम एक्सटर्नल मेमोरी, जिसे हम रोम भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल रोम,
ओके, इतनी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। तो इस रोम में आप प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी के फॉर्म में यूज कर सकते हो, लेकिन इंटरनल जो मेमोरी होती है 8051 में, वो इंटरनल मेमोरी होती है 4KB प्रोग्राम के लिए और 128 byte फॉर डेटा के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो हमारी प्रोग्राम मेमोरी है और डेटा मेमोरी है, इसे किस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो ये हो गई हमारी प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी, जिसमें 4KB की हमारी इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी है। इसके साथ यहाँ पे 64KB की एक्सटर्नल मेमोरी आप अटैच कर सकते हो। यहाँ पे हमने 60KB की एक्सटर्नल मेमोरी अटैच की है, तो यहाँ पे ये जो आपकी पूरी मेमोरी है, इसको आप एक्सटर्नल एक्सेस पिन के द्वारा एक्सेस कर सकते हो। ओके, जब भी आप माइक्रो कंट्रोलर की एक्सटर्नल एक्सेस पिन को एक्टिवेट करते हो और सेट करते हो, तो आपकी जो ये इंटरनल मेमोरी है, वो इंटरनल मेमोरी यहाँ पे एक्सेस होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सेस का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो अगर आपको एक्सटर्नल मेमोरी का एक्सेस चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सेस इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, तभी एक्सटर्नल एक्सेस इज इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप एक्सटर्नल एक्सेस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 लिखोगे, तो एक्सटर्नल एक्सेस एक्टिवेट होगा और सेट होगा, और आप एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सटर्नल एक्सेस लेने के लिए एक्सटर्नल एक्सेस कॉम्प्लीमेंट पिन को यहाँ पे रीसेट किया गया है, तभी आप यहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप 4KB मेमोरी को कैलकुलेट करोगे 16-bit एड्रेस में, तो यहाँ पे 0000 टू 0FFFH तक आपको यहाँ पे इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे एक्सटर्नल मेमोरी है वो 1000 से लेके FFFF तक आपको एक्सटर्नल मेमोरी देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे 64KB के एक्सटर्नल मेमोरी डायरेक्टली इंटरफेस करना चाहते हो, तो 0000 टू FFFF तक आपको डायरेक्टली 64 के एक्सटर्नल मेमोरी भी मिल सकती है। और अगर यहाँ पे हम डेटा मेमोरी की बात करें, तो डेटा मेमोरी में यहाँ पे हमारे पास 128 byte, ओके, 128 byte की इंटरनल मेमोरी डेटा मेमोरी मिलती है, जिसमें 0 to 7F, यहाँ पे जो ये 128 byte है, इसमें आप एक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज कर सकते हो। और यहाँ पे जो ये 80 to FFH है, वहां तक आपके पास अलग अलग SFR है, जिसे हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर बोलते थे, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपके पास लोअर 128 एंड अपर 128, यानी कि 0 to FF तक आपको यहाँ पे इंटरनल डेटा मेमोरी मिलती है, और इसके साथ एक्सटर्नल मेमोरी आपको यूज करनी है, तो 0000H to FFFFH तक आपको यहाँ पे 64KB के एक्सटर्नल डेटा मेमोरी भी मिल सकती है। तो यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस है, इसे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरनल रैम ऑर्गेनाइजेशन। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप जानते हो, रैम हमारे पास इंटरनल 8051 माइक्रो कंट्रोलर में हमारे पास इंटरनल 128 की इंटरनल रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस रैम में हमारे पास क्या क्या है, रजिस्टर बैंक है, बिट एड्रेसेबल एरिया है एंड जनरल पर्पस एरिया है। रजिस्टर बैंक के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि B0 से लेकर हमारे पास B3 तक अलग अलग 8 बिट के 8 रजिस्टर एक बैंक में होते हैं। ओके, तो 8 बिट के 8 रजिस्टर एक बैंक में होते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारे पास इस तरह की 4 बैंक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4, तो 8 बिट के हमारे पास कितने रजिस्टर हुए, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स 32 रजिस्टर्स हमें यहाँ पे यूज करने को मिलते हैं। बिट एड्रेसेबल एरिया, जिसमें आप इंडिविजुअल बिट को एड्रेस करके इसे सेट या रीसेट कर सकते हो, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे बिट एड्रेसेबल एरिया भी है इस इंटरनल रैम में, और जनरल पर्पस रजिस्टर भी है, जिसमें हम जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, दैट इज 8051 रजिस्टर्स बैंक। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 32 byte की 0000 to 1F की इंटरनल रैम है, जिसमें हमारे पास 4 डिफरेंट बैंक है, जिसे हम बैंक 0 to बैंक 3 बोलते हैं। एक बैंक में हमारे पास 8 रजिस्टर होते हैं, R0 to R7। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी बैंक है, इस बैंक को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग फ्लैग्स है, जिसको हम रजिस्टर सिलेक्ट फ्लैग 0 एंड रजिस्टर सिलेक्ट फ्लैग 1 बोलते हैं। ओके, जिससे हम इस बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों फ्लैग की वैल्यू 00 रखेंगे, तो हमारी फर्स्ट बैंक 0 है वो सिलेक्ट होगी। इसमें हमारे पास एड्रेस है 00H to 07H, और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग 8 रजिस्टर है, R0 to R7। ओके, नेक्स्ट वन बैंक है, इसके लिए आपको यहाँ पे दोनों फ्लैग की वैल्यू 01 रखनी पड़ेगी, रजिस्टर सिलेक्ट 1 एंड रजिस्टर सिलेक्ट 0 की। तो 01 पे आपको सेकेंड बैंक मिलेगी, और सेकेंड बैंक है हमारी बैंक 1।
और बैंक वन में हमारे पास एड्रेस है 08H21FH। ओके, ये जो एड्रेस है वो हमारी इस इंटरनल मेमोरी के एड्रेस है। ओके, इस इंटरनल मेमोरी में जो एड्रेस होंगे इसे हमने यहाँ पे 08 to 0FH में इंडिकेट किया है। और यहाँ पे भी हमें मिलेंगे R0 to R7 रजिस्टर, लेकिन बैंक वन के। बैंक थ्री को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास है 10 पे हमें बैंक टू, ओके, थर्ड वन बैंक, दैट इज बैंक टू मिलेगी, जिसमें एड्रेस है 10H to 17H। ओके, जिसमें अगेन हमें R0 to R7 रजिस्टर मिलेंगे। और लास्ट वन बैंक को सिलेक्ट करने के लिए RS1 and RS0 को 11 रखना पड़ेगा, और उसमें हमें 18H to 1FH का एरिया मिलता है। और ये है हमारी लास्ट बैंक, बैंक थ्री, जिसमें अगेन हमें R0 to R7 रजिस्टर देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे जो भी रजिस्टर यूज करना है R0 to R7 किसी भी बैंक का, तो ये जो रजिस्टर है वो किस बैंक का है इसे इंडिकेट करने के लिए आप यहाँ पे ये जो RS1 and RS0 है इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये जो R0 है वो किस बैंक का रजिस्टर है। ओके, क्योंकि सभी बैंक के जो रजिस्टर है उसको कॉमन नाम दिया गया है R0 R7 R0 R7 R0 R7 and R0 R7। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बैंक का ये रजिस्टर है, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास RS1 and RS0 है, जिसकी मदद से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सी बैंक का रजिस्टर है। ओके, तो ये इंटरनल मेमोरी में हमारे पास जो रजिस्टर बैंक थी इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वन है बिट एड्रेसेबल एरिया। बिट एड्रेसेबल एरिया हमें मिलता है 20H से लेके 2FH तक। ओके, तो यहाँ पे ये जो 16 बाइट्स है, ये 16 बाइट में जितने भी हमारे पास बिट्स है, इन इंडिविजुअल बिट को हम एक्सेस करके इसे सेट या रीसेट कर सकते हैं। ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जो कि इंटरनल रैम में हमें मिलता है। ओके, ये जो रैम का पोर्शन है वो है 20 से लेके 2FH तक, जिसमें हमें इंटरनल रैम मिलती है। और यहाँ पे हमारे पास ऐसे 16 रजिस्टर है और एक रजिस्टर में 8 बिट होते हैं, तो टोटल हमें 128 बिट्स मिलते हैं जिसे हम इंडिविजुअली सेट रीसेट कर सकते हैं। अब तक जो हमने बैंक्स देखी थी B0 से लेके B3, उसमें हमारे पास जो भी रजिस्टर थे R0 से लेके R7, ओके, एक बैंक में इस तरह के 8 रजिस्टर थे और ऐसी हमारे पास 4 बैंक थी, तो हमारे पास इस तरह के 32 रजिस्टर्स थे। ओके, लेकिन इन सभी रजिस्टर में आप इंडिविजुअल एक एक बिट को एड्रेस करके सेट रीसेट नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो ये बिट एड्रेसेबल एरिया है इसमें हमारे पास जो 16 बाइट्स है इसे आप इंडिविजुअली बिट के फॉर्म में सेट रीसेट कर सकते हो। तो इस तरह के हमारे पास 128 बिट्स है। जनरल पर्पस रजिस्टर में जो भी एरिया रैम का इससे ऊपर रहता है उसमें हमारे पास 30H से लेके 7FH तक जो एरिया है इसे जनरल पर्पस रैम बोलते हैं, जिसका यूज आप जो भी जनरल डेटा है इसे स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन है वो है रोम स्पेस। हमारे पास यहाँ पे 4KB की इंटरनल रोम है। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ओके, रीड ओनली मेमोरी यानी कि यहाँ पे आप राइट नहीं कर सकते हो, जो प्रोग्राम दिया गया है इसे रीराइट नहीं कर सकते हो। ओके, तो रोम रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 4KB की मेमोरी है, तो 4KB की मेमोरी को आप इस तरह से यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो 0000H2, यहाँ पे आएगा 3, ओके, एफ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3FFH। ओके, तो ये हमारी इंटरनल रैम हो, इंटरनल मेमोरी होगी। इस इंटरनल मेमोरी में हमारे पास 0000H23FFFH तक की हमारी लोकेशन है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। और एक बार ये प्रोग्राम हो जाती है तो इसे हम रीराइट और इरेज नहीं कर सकते हैं। ओके, जो 8051 में इंटरनल रोम होती है इसका जो प्रोग्राम है इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें हम डेटा चेंज कर सकते हैं। ये जो हमारी रोम है इसका सिर्फ डेटा चेंज हो सकता है, इसे हम डेटा के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग द्वारा प्रोग्राम किया गया है इस प्रोग्राम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसे इरेज नहीं कर सकते हैं या फिर रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो ये हमारे पास रोम है ये प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर से बनी होती है और इसको हम यूज करते हैं कोई डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, तो ये हो गई हमारी 8051 माइक्रो कंट्रोलर की रोम, ओके, जिसमें हमारे पास 4KB की मेमोरी मिलती है। तो ये लास्ट पॉइंट था इस चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं 8051 के कुछ अलग कॉन्सेप्ट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।